अपने को खोजो, अपने जीवन के मूल्यवान जीवन के ये थोड़ी यात्रा करो। नश्वर जीवन के लिए मकान बढ़िया बना लिया तो राम तीर्थ बोलते हुए, हे मूर्ख धनवानों, हे मूर्ख सत्तावान, हे मूर्ख धनवान, अपना समय शक्ति मकान और फर्नीचर और नश्वर दरी शरीर को सजाने धजाने में बर्बाद मत करो, नहीं तो तुम स्वयं बर्बाद हो जाओगे। अपना समय शक्ति सत्य चित आनंद स्वरूप जो सारी दुनिया को सत्ता स्फूर्ति चेतना देता और जगत बन बन के बदल जाते फिर भी जो एक रस रहता है, उस परमात्मा के सुख को पाने में लगाओ, परमात्मा को खोजने में लगाओ। तो ये जो हरि ओम अथवा ओम नमो भगवते वासुदेव का शांत उच्चारण है, हर्ष उच्चारण से पाप नाश होते, दीर्घ उच्चारण से साफल्य मिलता है एक परमार्थिक, और प्लुत उच्चारण करने से संकल्प विकल्प शांत होते, मन शांत होता है, चित्त की शुद्धि बड़ी सुंदर सिद्धि। पाप करते तो सुख के लिए तो पाप करते हैं, कुछ भी करते ऐसा वैसा करके वस्तु पाए हम सुखी हों, लेकिन पाप करने के बाद उस समय तो पता नहीं चलता, लेकिन पाप का फल जब हृदय का ताप मिलता है, खिन्नता शांति दुख आदि, तब आदमी को सब कुछ होते ही सुविधा तभी भी दुखी रहता है। तो सुविधाओं से सुख का संबंध नहीं है, धन से सत्ता से सुख का संबंध नहीं है, धन और सत्ता से सुविधाएं मिलेगी लेकिन पुण्य से तुम्हारा हृदय की शीतलता मिलेगी, हृदय की विश्रांति मिलेगी। पाप से ताप मिलता है और हरि नाम और पुण्य से हृदय की शीतलता मिलती है। हृदय का शीतल होना बड़े पुण्यों का फल है और हृदय का शीतल होना सत्संग के द्वारा सहज हो जाता है। तीर्थ नाए एक फल संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, जो सत्य में जगे टिके ऐसे महापुरुष मिलते तो अनंत फल अविनाशी फल, बाकी तो सब मोघा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचित सा, उनके सारे कर्म व्यर्थ हो जाते, सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता, सारी समझ व्यर्थ हो जाती। दो रोटी कमाने की दो रोटी फल से बड़े शरीर की सुविधा में सारा उनका ज्ञान ध्यान सारी समझ सारा साइंस वहीं खत्म हो जाती। वे लोग बड़भागी हैं कि जिनको संतों का सानिध्य मिलता है। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद गुरु भक्ततः। जिनके हृदय में आत्मरामी गुरुओं की भक्ति है उनका माता पिता कुल गोत्र धन्य है, वो हे पार्वती वसुंधरा भी अपने को धन्य मानती। ओ करने वाली ज्ञान दृष्टि का आश्रय ले, जप का आश्रय ले, 3 घंटा जप करे कम से कम, 3 घंटा ध्यान करे, 3 घंटा आत्मज्ञान का शास्त्र विचारे, 3 घंटा सदगुरु की सेवा करे, संसार बंधन काटने का सुंदर सहज सीधा मार्ग, बाकी जिंदगी अटला दुकान में के एक मोटल होटल में खपी गई। રાષ્ટ્રપતિ થઈ ગયા અમેરિકાના તો જીવન છેવટે શું મળ્યું રેગનને બુશને શું મળ્યું તમને બધું મળી જશે મોઘા મોઘ કર્મણું બધું નશ્વરમાંથી ચાઈ મારવાનું નારાયણ નારાયણ સંતો કે ચરણો મેં બેઠ કે સત્શાસ્ત્ર વિચારે તો પરમપદ કી પ્રાપ્તિ થી શાશ્વત ફલ કી પ્રાપ્તિ થી શિવાજી કો મિલ ગયા
तुकाराम को मिल गया, लीला शाह बापू को मिल गया, हमको मिल गया, तो तुम क्यों नहीं पाते? तुम्हारे को क्या लगता है केवल नश्वर संसार को सत्य मानने वालों का कुसंग लगता है, इसलिए तुम नीचे पड़े। जी ने ये पानी 99 डिग्री पहुँचे वाली पाचू जतू करो, ऐ 100 डिग्री पहुँचारो त्यारे उकड़ा 80 डिग्री पहुँचान कोई 72 60 है पहुँचान 55 है पहुँचान कोई 22 है पहुँचान 32 एक बार 100 डिग्री नू मारे दो छला ना दो पटेल खातू मारू बेटू नारायण नारायण तो है तो ज्ञान और अनुभव कर लिया तो विज्ञान। संसार का विज्ञान वस्तुओं की बात है, ये तो आत्मज्ञान और फिर आत्मानुभव बराबर विज्ञान। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्टा समकांचन। ज्ञान और विज्ञान से तृप्त फिर उसके लिए लोहा और सोना सब पंचभूत है, धन और निर्धनता सब खिलवाड़ है, यश अपयश सब खेल। तुलसी भरोसे राम के पाकू कर, तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होई सोए, निश्चिंत होई सोए, अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, होनी होए सो होए। कई बार नहीं चाहते तभी भी ऐसी घटना हो जाती, निर्दोष आदमी नहीं चाहते तभी दोषी बन जाते, हरामी नफट बेईमान आदमी ले दे के पैसे वैसे कुछ का कुछ कर देते, सत्य को फ्रॉड कर देते, फ्रॉड को सत्य कर देते, लांच रुश्वत और निर्दोष बेचारे गाय जैसे जयंती को भी। अब इच्छा तो नहीं थी जयंती की अथवा किसी की कि ऐसा हो, फिर भी जो होनी थी लेणु देणु नहीं चाहते थे वो हो गया, तो जो होनी है होती है, आज तो ऐसे जो आना है तो आता है, फिर चिंता करके क्यों मरे। अन होनी होनी नहीं, नहीं थवा वालू नहीं थे, अन थवा वालू कोई रोगी ना सक रहता है, थोड़ा घणो प्रयत्न मांगे, टेंशन है वारी लेस, टेंशन लेस, वो लेस आया तो शू लेने आया, अन जैसू तो शू लेंगे। एक महात्मा था, गुरु पूनम भी थी, गुंडों ने देखा, डकैतों ने कहा अरे महाराज के पास तो खूब माल आया होगा, रात को महात्मा की कुटिया पे जा दम के, हे महाराज ये लाओ पिस्तौल लाओ जो भी कुछ है माल रखो। महाराज ने उतारा अपना चादर अपना वो सब उतार के दिया, लंगोटी में खड़े हुए बोले जो है सब तुम्हारा। महाराज तो चले गए टिल्ले पे, है तक दिन अधिक अब भी नफे में हम, ओ हम सो हम अब भी नफे में। वो डाकुओं का मुखिया देखता कि महाराज ही सब छोड़ के चले गए ना, कहाँ गए, कहीं भक्तों को या पुलिस को तो नहीं बुलाते, देखा तो नाच रहे बाजू में टिल्ला है उधर टेकरी छे ना ऊपर नाचे पंचेड़ जीवी टेकरी ऐसे कोई महाराज नहीं, तक दिनाधीन अज्जी नफा मा। बोले महाराज अभी नफे में कैसे? बोले देख हम आए थे ना तो लंगोटी नहीं थी, सब देने के बाद भी लंगोटी तुम्हारे जैसे डाकू ने लंगोटी नहीं लिया तो लंगोटी नफे में है कि नहीं? आए थे तो एकदम बालक, इतना खाया पिया पहरा ओढ़ा और गुरु का ज्ञान सुना और ये सब न मिथ्या में सत्यों इतना ब्रह्म ज्ञान ये भी नफे में, घाटा क्या पड़ा? हम आए थे तो खाली हाथ थे, लंगोटी तो भी तुम भी नहीं मांगते, चाहिए क्या लंगोटी? बोले नहीं महाराज कितना सत्य है जीवन का, आया था त्यारे एकदम सिसोटी छापता। संसार स्वप्न है, परमेश्वर अपना है, अपने साथ है, फिर भी आज तक उसकी मुलाकात नहीं और संसार के छोटे छोटे दुख सुख में हम पच के मर रहे हैं। भगवान करे कि भगवान में प्रीति हो जाए, भगवान करे कि भगवान में प्रतिष्ठित हो जाए बुद्धि। ओम शांति। और किसी भी घटना में किसी भी परिस्थिति